फेजेस का काम क्या होता है, जो हमने उस दिन जब स्केड्यूलिंग कर रहे थे तब मैंने दिखाया था ना कि हमारे पास फेजेस होते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन और एग्जिस्टिंग के। तो न्यू कंस्ट्रक्शन में क्या चीज़ें आएंगी और एग्जिस्टिंग में क्या चीज़ें आएंगी, उसको आप मैनेज यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप फेजेस पे क्लिक करोगे, यहाँ आता है आपका प्रोजेक्ट फेजेस। दो फेजेस यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं, एग्जिस्टिंग और न्यू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फेज फिल्टर पे आओगे, फेज फिल्टर उसमें क्या दिखा रहा है कि अब फेज फिल्टर्स में अगर आप शो ऑल दिखाते हो तो वो शो ऑल क्या दिखाएगा, बाय कैटेगरी। एग्जिस्टिंग ओवर रिडन होगा, डिमोलिश भी ओवर रिडन होगा, टेम्परेरी भी ओवर रिडन होगा। शो कंप्लीट में क्या दिखाता है, ये भी बाय कैटेगरी दिखाता है। ओवर रिडन और नॉट डिस्प्लेड, ओवर रिडन क्या होता है कि जब उसके ऊपर ओवरलैप करता है बट ये फेडेड व्यू में दिखाता है, दैट इज ओवर रिडन। बाय कैटेगरी, जैसे आप जिस कैटेगरी में वो होगा वो उसी कैटेगरी में दिखाएगा, वो होता है आपका शो कंप्लीट फिल्टर्स। तो ये जो फिल्टर्स हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर, ये जो फेस फिल्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने फेस फिल्टर्स लगाए हुए हैं। फेस फिल्टर्स क्या होते हैं ये पता है? फिल्टर्स क्या, फेजेस में जब आप आओगे तो यहाँ पर फेस फिल्टर्स आता है। अब इसमें क्या बता रही है कि अगर आपने फिल्टर नेम शो कंप्लीट दिखाया तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं ना, न्यू कंस्ट्रक्शन, एग्जिस्टिंग और डिमोलिश्ड, ठीक है। शो कंप्लीट वाले पैरामीटर में आपका न्यू तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिखाएगा कि शो कंप्लीट, जैसे आपका कैटेगरी बाय कैटेगरी मतलब जैसे आपने बनाया है अपना न्यू कंस्ट्रक्शन, वो तो एज इट इज दिखाएगा। एग्जिस्टिंग बिटल शो बाय कैटेगरी और डिमोलिश वाली कोई भी पार्ट डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपने कोई वॉल ली उसको डिमोलिश कर दी तो इट विल कम अंडर डिमोलिश स्टेट। तो जब आपने न्यू कंस्ट्रक्शन वाला पैरामीटर लिया, फेज अप्लाई किया न्यू कंस्ट्रक्शन और फेज फिल्टर अप्लाई किया शो कंप्लीट, तो उस फेज फिल्टर, इस फेज फिल्टर को अप्लाई करने के बाद न्यू कंस्ट्रक्शन भी दिखाएगा, जो आपने एग्जिस्टिंग फेज में बनाएगा वो भी दिखाएगा, पर जो आपने एग्जिस्टिंग फेज या न्यू कंस्ट्रक्शन में बना के उसे डिमोलिश किया तो वो उसे नहीं दिखाएगा। सो दिस इज, हाँ ये आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये फेज प्रोजेक्ट फेजेस और प्रोजेक्ट फिल्टर्स का मतलब ये होता है, क्लियर हो गया? सो दैट डिपेंड्स कि आपको फेज फिल्टर्स जो यहाँ पर बने हुए हैं वो आपको कैसे क्या क्या शो करना है। अब अगर आपको यहाँ पर न्यू फेज फिल्टर शो करना है तो आप न्यू पे क्लिक करो, यहाँ ऑप्शन आप नेम दे सकते हो कि आपको किस नेम से अपना फेज फिल्टर अप्लाई करना है। लेट से मैंने फेज फिल्टर लिया शो न्यू, मुझे क्या दिखाना है सिर्फ, ओके इट्स ऑलरेडी इन यूज, शो न्यू कंस्ट्रक्शन, ये फेज दिखाना है। इस फेज में क्या होगा कि मेरी कोई भी चीज नहीं दिखेगी, सिर्फ शो न्यू कंस्ट्रक्शन में सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन वाला आएगा जिसमें मैंने बाय कैटेगरी लिया, बाकी सबको कर दिया नॉट डिस्प्लेड, नॉट डिस्प्लेड, नॉट डिस्प्लेड, ओवर रिडन, ओ ओवर रिडन, ओवर रिडन मतलब हाफ टोन व्यू में, इट विल शो इन हाफ टोन, दैट इज ओवर। हमने जो अदरवाइज ओवरराइड किया था बट वो तो हाफ टोन नहीं था ना, वो ओवरराइड क्या था, कहाँ ओवरराइड, हमने वैसे जो ओवरराइड जैसे हाइट पड़ा था ऐसे ही हमने ओवर, हाँ एक ओवररिडन है। अच्छा सॉरी, ओवरराइड में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो वो वाले हाईलाइट होगा, जैसे कलर में चेंज किया या उसके ग्राफिक्स में चेंज किया, सो वो आपका यहाँ पर शो होगा। अभी मैंने यहाँ पर बनाया है मेरा न्यू कंस्ट्रक्शन, किस नाम से आया, न्यू कंस्ट्रक्शन बाय कैटेगरी दिखाएगा। अगर मैं न्यू कंस्ट्रक्शन में कोई चीज दिखाती हूँ तो वो सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन में दिखाएगा, ना तो वो एग्जिस्टिंग वाला दिखाएगा, ना वो डिमोलिश वाला, ना वो टेम्प्रेरी वाला, ठीक है। अप्लाई किया, ओके किया, तो अब मैंने क्या किया, मेरा जो काम कर रहा है बन रहा है वो कौन सा है, न्यू कंस्ट्रक्शन में। अब न्यू कंस्ट्रक्शन में अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ शो न्यू कंस्ट्रक्शन, तो वो सिर्फ वही वाली वॉल्स दिखाएगा जो आपके न्यू कंस्ट्रक्शन में बनी हुई है। लेट्स से मैंने इनमें से ये वाली वॉल्स जो है, कुछ वॉल्स मैंने एग्जिस्टिंग में ले ली। अब जैसे ही हमने न्यू एग्जिस्टिंग लिया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जैसे ही एग्जिस्टिंग वाला फेज लिया, देखो यहाँ पर शो न्यू कंस्ट्रक्शन हमारा फिल्टर लगा हुआ था, अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन की फाइल्स थी वो न्यू कंस्ट्रक्शन में बना हुआ था, हमने जैसे फेज चेंज किया वो गायब हो गया, नथिंग एज शोन ओवर हियर,
ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फिल्टर हटा देती हूँ, मुझे कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना, तो वो एग्जिस्टिंग में भी दिखाएगा, बिकॉज आई हैवेंट अप्लाइड एनी फिल्टर. जब मैंने फिल्टर अप्लाई नहीं किया, अब मैं यहाँ पर अगर कोई वॉल बना रही हूँ, दैट इज इन द एग्जिस्टिंग फेज, क्योंकि मैंने सेलेक्ट क्या कर रखा है, फेज वहाँ पर एग्जिस्टिंग. अब ये दो जो वॉल्स है, ये मेरी एग्जिस्टिंग में बनी है, यू कैन चेक द फेज, इट्स द एग्जिस्टिंग. ठीक है, अब फेज डिमोलिश, अभी हमने डिमोलिश तो नहीं किया, इट्स क्रिएटेड एन एग्जिस्टिंग. ठीक है, अब डिमोलिश कौन सी होगी, इसको सिलेक्ट किया, इसको किया हमने डिमोलिश लेट से. ठीक है, नाउ दिस इज द डिमोलिश्ड वॉल. अब ये डिमोलिश भी हो गई आपकी, आ गई है, लाइंस बहुत बड़ी हैं, इस वजह से ये शो नहीं कर रहा. बट ये डिमोलिश हो चुकी है, तभी देखो इसने अपने आप फेस डिमोलिश क्या दिखा दिया, एग्जिस्टिंग, कि हमने एग्जिस्टिंग में उसका फेस जो है वो डिमोलिश कर दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पर फेस क्या दिखा रहा है, डिमोलिश. अब मैं यहाँ पर एग्जिट करती हूँ, और यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ फेस. इफ आई एम चेंजिंग दिस फेस टू न्यू कंस्ट्रक्शन, और मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ शो न्यू कंस्ट्रक्शन, तो वो सिर्फ शो न्यू कंस्ट्रक्शन दिखाएगा, आपका एग्जिस्टिंग वाला फेस नहीं दिखाएगा. अब मुझे यहाँ पर एक और फेस बनाना है, जिसे हम फेस को फिल्टर कर सकते हैं. जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आए फेस फिल्टर पे, मैंने एक और फेस फिल्टर बनाया, जिसका नाम रखा शो न्यू एंड डिमोलिश्ड. फेज का तो यूजेस है, दीज आर द फेजेस, फेजेस तो ये आपके दो है, डिमोलिश्ड फेजेस तो आपके दो ही है, एग्जिस्टिंग और न्यू कंस्ट्रक्शन. लेकिन फेज में फिल्टर्स में क्या क्या है, उसको आपको इम्पोर्टेंस देनी है. तो अब मैंने यहाँ पर दिया फेज शो न्यू एंड डिमोलिश, मैंने ये वाली रखी कि ये न्यू को दिखाएगा और मेरी डिमोलिश को दिखाएगा, बाकी किसी को नहीं दिखाएगा, सबको नॉट डिस्प्लेड, इसको भी नॉट डिस्प्लेड. ठीक है, अप्लाई किया, ओके किया. अब मैं यहाँ पर एक बार फेस फिल्टर यहाँ लगा देती हूँ, शो न्यू एंड डिमोलिश्ड. तो जैसे ही हमने यहाँ पर शो न्यू और डिमोलिश दिखाई, तो आपकी यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग आ गई, कि आपकी जो डिमोलिश्ड वॉल थी, दिस इज योर न्यू कंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट शोइंग, इट वाज इन फेस क्रिएटेड डिमोलिश्ड. Category existing may not displayed temporary. Is it temporary? No. यहाँ आते हैं आपके सिलेक्शन पैनल, जो भी आपके सिलेक्शन सेट्स होते हैं, अगर हमें उसे चेंजेस करने हो, तो ये फिल्टर्स का है, जो मैंने नहीं बताया था वो है, ये मुझे अभी देखना है, तो जब मैं ये देख लूँगी देन आई लेट यू नो. आप जब वार्निंग्स होती हैं, तो किसी भी वार्निंग को रिव्यू करना हो, तो हमें इस पे वार्निंग आई, मैनेज हो गया एनेबल. जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, वो आपको बताएगा हाइलाइट्स वॉल ओवरलैप, इस पे क्लिक करो वार्निंग वन, इस पे क्लिक करो, वो आपसे बताएगा दो आईडीज ऐसी हैं जो आपस में ओवरलैप हो रही हैं, जो आईडी को आपको क्लिक करना हो, जैसे ही आप उस पे क्लिक करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा ये एक वॉल है, प्लस जब दूसरी क्लिक करोगे तो वो अपने आप दिखा देगा कि ये वो वॉल है जो उस पे हाईलाइट हो रही है. ऐसे वार्निंग्स आती हैं, ये क्वेश्चन टेस्ट में भी है. और एक वो बोलते हैं कि आपको आईडी के अकॉर्डिंग वॉल को
चेंज करना है कि ये वाली जो आईडी है वॉल की ये कहीं ओवरलैप हो रही है. ठीक है, दे लास्ट क्वीन क्वेश्चन दैट दिस इज द आईडी, जो आईडी है दिस वॉल इज ओवरलैपिंग या ये डोर ओवरलैप हो रहा है या ऐसा कोई वार्निंग आ रही है. तो वो वार्निंग जो होती है वो हम आईडी के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आईडी के थ्रू सिलेक्ट करने के लिए आपको आईडी पता होनी चाहिए. अब हमें इसकी आईडी तो पता नहीं है, ठीक है, इट डजंट हैव एनी आईडी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर दो आईडीज आती हैं, 200773, ठीक है, या 202050. हम ये एंटर कर देते हैं. तो यहाँ किया 202050 इज द आईडी जिसमें प्रॉब्लम है. इसको शो पे क्लिक करेंगे, जैसे ही शो पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो वाली वॉल सिलेक्ट कर देगा, इट विल शो कि ये जो आपके एलिमेंट है ये आपका ओवरलैप कर रहा है. हमने जो एलिमेंट आप शो करते हो वो आपको ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि ये वाली आपकी जो वार्निंग है ये आईडी के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, डिजाइन ऑप्शन डन, मैनेज डन, फेजिंग डन, देन दिस आई लेट यू नो, इंक्वायरी डन, मैक्रोस आई डोंट हैव एनी इन्फो. अब जब हमें प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट करनी हो, प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट करने के लिए आता है आपका प्रोजेक्ट लोकेशन डायलॉग बॉक्स. ठीक है, ये पैनल आता है. इस पैनल पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट करता है कि आपको अपनी लोकेशन या साइट देनी होती है. अभी यहाँ पर अगर आप नेट से कनेक्टेड होते तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको इंटरनेट मैपिंग सर्विस डिफाइन करनी है कि आपकी साइट कहाँ है. जहाँ आपकी साइट होगी वो साइट की लोकेशन यहाँ ले लेगा, या फिर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट एड्रेस दे दो, सर्च कर लो तो वो यहाँ पर आपको शो कर देगा. अगर उस प्रोजेक्ट में आपकी डेलाइट सेविंग्स टाइम है तो ये चेकबॉक्स सिलेक्ट कर लो. प्लस यहाँ पर जो आपका साइट पे डिफाइन करोगे, साइट में ये आपकी कौन सी है साइट्स डिफाइन इन दिस प्रोजेक्ट, डुप्लीकेट करो जो भी साइट का नाम है, आप यहाँ पर साइट का नाम दे सकते हो. ठीक है, एंड देन यू हैव जस्ट लोकेटेड योर प्लेस योर लोकेशन. अभी हमने यहाँ पर सिर्फ अपनी जो लोकेशन है, जो रेविट की लोकेशन है, उसे सेट कर लिया. ठीक है, हाँ ये गूगल अर्थ से आती है. ये इम्पोर्टेंट एनालिसिस के लिए होती है और एनालिसिस उसमें होते नहीं है. वो क्लाइंट सब ये बताते हैं हमारी साइट वहां पे है, वो हमें खुद ही गूगल अर्थ से लोकेट करके हम उसको करते हैं. आप यहाँ इसमें रेविट में ये चीज नहीं कर सकते, इसके लिए वसारी होता है. ये आपने दिया, या जूम इन करो जितनी आपको साइट चाहिए. नेट काफी फास्ट है थोड़ा हमारा. एंड देन गो फॉर सर्च सेक्टर 49 इंडिया. इम्पोर्ट साइट इमेज किया, अब यहाँ पर भी वो साइट इमेज लोड होनी चाहिए. जैसे ही वो साइट इमेज यहाँ लोड होगी ओनली देन यू कैन इम्पोर्ट इट. जैसे ये लोड हो जाएगी फिर आप इम्पोर्ट करोगे तो वो इम्पोर्ट होने के बाद आपकी इमेज. तो इस साइट के लिए बाय पिक इम्पोर्ट. जैसे हमने इम्पोर्ट किया ये साइट आपकी यहाँ पर इम्पोर्ट हो गई पूरी. ठीक है, दिस इज दैट साइट जहाँ पर आप इसे काम करना चाहते हो. ठीक है, पूरा साइट है ना, यही पूरी साइट है जिस पे आपको काम करना है. अब काम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये साइट के लिए अब यहाँ पर हम टोपो सर्फेस कर लेंगे. क्लियर, ये होता है आपका वसारी में. अब मैं अगर इस फाइल को सेव एज कर लूँ प्रोजेक्ट डॉट आर बी टी, डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इस फाइल को एज एन आर बी टी फाइल. ठीक है, एंड आई एम जस्ट क्लोजिंग द सॉफ्टवेयर. लोड ही नहीं हुआ अभी. अब आई कैन डायरेक्टली ओपन दैट साइट, ओपन दैट प्रोजेक्ट जो हमारा आर वी टी प्रोजेक्ट था, ओपन किया वो हम वसारी का प्रोजेक्ट इसमें खोल सकते हैं. जो भी वसारी की फाइल्स होती है ना, बिकॉज ऑरिडस के प्रोडक्ट इंटरकनेक्टेड होते हैं,
वो सारी की फाइल आप जैसे इसमें खोलोगे वो सेम वैसे ही खुलेगी जैसे आपके उस प्रोजेक्ट में थी। विदाउट इमेज यू कैन नॉट ओपन। देन व्हाट टू डू बनी हुई है ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट्स आपको स्पेसिफाई करने हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ एंड साउथ या ईस्ट और वेस्ट। उसके रिस्पेक्ट में जब आपको कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई करने होते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपके ठीक है। एक्वायर कोऑर्डिनेट्स, पब्लिश कोऑर्डिनेट्स, स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट एंड रिपोर्ट शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स। जो हम अपनी फाइल ऑटोकैड से यहाँ पर भी लेके आते हैं तो हम क्या करते हैं अपने पॉइंट्स को डायरेक्टली कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं और बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको उन पॉइंट्स को भी स्पेसिफाई करना हो जैसे अपने कोई इम्पोर्टेड फाइल ली उसके पॉइंट्स को अगर आपको एक्वायर करना हो उसके सारे कोऑर्डिनेट्स को एक्वायर करना हो तो आप लिंक्ड फाइल जो है आपके प्रोजेक्ट में उसको सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली सारे कोऑर्डिनेट्स को एक्वायर कर लेगा और एक्वायर करके वो उस लोकेशन पे आ जाएगा जिस लोकेशन पे उसको होना चाहिए। कौन सी लोकेशन? जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट वैल्यूज जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने अपने ड्रॉइंग में बनाते टाइम दिए होंगे ऑटोकैड में वही कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इधर एक्वायर हो जाएंगे ठीक। एक्वायर करने के बाद हम यहाँ इस पर क्लिक करते हैं यहाँ आता है ऑप्शन पब्लिश कोऑर्डिनेट्स। कैन नॉट पब्लिश कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम अ मॉडल विद मल्टीपल नेम्ड साइट्स। अब यहाँ पर आपकी जो मल्टीपल नेम्ड साइट्स है वो मल्टीपल है तो इसलिए यहाँ पर ये पब्लिश कर नहीं पा रहा। अगर एक साइट को जब इसमें हमने बहुत सारी लोकेशन सेट कर दी मल्टीपल नेम साइट्स अब जिस लिंक फाइल से पब्लिश करने हैं वो लिंक फाइल होनी चाहिए। जैसे ही आप उस लिंक फाइल को सिलेक्ट करोगे वो आपके कोऑर्डिनेट्स को पब्लिश भी कर देता है। पहले एक्वायर करता है जो भी लिंक फाइल होती है उससे एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद आपको यहाँ पब्लिश करने होते हैं अपनी ड्रॉइंग में तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उस लिंक फाइल को सिलेक्ट करोगे वो अपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को पब्लिश कर देगा। पब्लिश करने के बाद आपका नेक्स्ट आता है स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट एट पॉइंट। ड्रॉइंग के ऊपर आ जाएंगे वो पॉइंट्स ठीक है वो उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाएगा। अब जो ड्रॉइंग आपकी बनी हुई है अगर आपको उनके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करना है तो यहाँ ऑप्शन आता है स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट। जैसे ही आप स्पेसिफाई कोऑर्डिनेट्स एट पॉइंट्स पे आओगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट पिक करना है जिसका कोऑर्डिनेट आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे ही आप इसका पॉइंट पिक करोगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा आपकी किसके रेफरेंस में है नॉर्थ और साउथ प्लस वेस्ट और ईस्ट। अब कितना किस रेफरेंस में जा रहा है तो ये एक कोऑर्डिनेट वैल्यूज ले रहा है। हम इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 ले लेते हैं इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू 0 ले लेते हैं ओके कर देते हैं। तो अब इसने ये पिक कर लिया कि ये इसका ओरिजिन है तो आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। ओरिजिन शिफ्ट हो गया अब जो हमारी बिल्डिंग है वो ओरिजिन से बनना शुरू हो गई ठीक है। ऐसे ही हमें कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई आप हर पॉइंट पे कर सकते हो। जैसे अब आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ पे ये 0 है लेकिन वेस्ट की साइड पे कितनी है 14,500 ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर जाओगे तो आपके वाई एक्सिस में वैल्यू आ जाएगी तो ये कोऑर्डिनेट्स को ऐसे स्पेसिफाई कर देता है। रिपोर्ट शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स अगर आपने कोई भी कोऑर्डिनेट शेयर करे हुए हैं तो आपको वो रिपोर्ट करना होता है। जैसे नॉर्थ साउथ के कोऑर्डिनेट्स और ईस्ट वेस्ट के कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पर शेयर कर रहा है कितने हैं 0.0। आपको यहाँ का कोऑर्डिनेट रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ बता सकते हो यहाँ का कोऑर्डिनेट ये है इसका कोऑर्डिनेट रिपोर्ट करना है इसको कोऑर्डिनेट बता सकते हैं हम 14,000 ऐसे हैं 14,000 ऐसे हैं प्लस यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आपको देख सकते हो कि आपका कोऑर्डिनेट यहाँ ऐसे जा रहा है और वाई एक्स एक्सिस में 0 है। जो पॉइंट्स हमने कोऑर्डिनेट के यहाँ स्पेसिफाई किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट जो है वो शो कर देता है कि आपका हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना है ठीक है। सिर्फ अपने ड्राइंग में ओरिजिन बनाने के लिए। और अब इसके बाद आता है हमारा रोटेट ट्रू नॉर्थ और रीलोकेट प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट को रीलोकेट करना है तो जहाँ से प्रोजेक्ट को आपको मूव करना होता है उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो और प्रोजेक्ट की पोजीशन को आप कहीं और रीलोकेट कर सकते हो जिससे आपके एलिवेशंस भी जो होते हैं वो मूव हो जाते हैं। एलिवेशंस मूव हो गए तो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी चेंज हो गए सब खुद सेलेक्ट होकर मूव हो जाएगा ठीक है। प्लस ये होता है रोटेट ट्रू नॉर्थ। अब रोटेट ट्रू नॉर्थ कैसे आएगा यहाँ आप देख सकते हो जो ओरिएंटेशन है ये आपकी प्रोजेक्ट नॉर्थ है। प्रोजेक्ट नॉर्थ मतलब हमने प्रोजेक्ट के लिए कंसीडर किया हुआ है नॉर्थ है कि साउथ है कि ईस्ट है कि वेस्ट है।
ठीक है, ये पॉइंट सिग्निफाई किए हुए, लेकिन एक्चुअल नॉर्थ अगर हमारा कहीं और है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हमें अपने ट्रू नॉर्थ को रोटेट करना होता है। जैसे जैसे ट्रू नॉर्थ को रोटेट करेंगे आपकी बिल्डिंग भी रोटेट होगी, लेकिन हमें बिल्डिंग बेसिकली कैसे चाहिए होती है, स्ट्रेट चाहिए होती है, हम बिल्डिंग तो टिल्टेड बनाते नहीं है। तो बिल्डिंग बनाने से पहले ही आपको ये रोटेशन का काम कर लेना होता है कि आपको अपनी ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होती है। आपकी ओरिएंटेशन क्या है, ट्रू नॉर्थ से हमें डिफाइन करनी है। ये जो आपके पड़े हुए हैं ये आपके एक्चुअल नॉर्थ है, अब ट्रू नॉर्थ से रोटेट करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ ऑप्शन आता है रोटेट ट्रू नॉर्थ। अब जो आपका ट्रू नॉर्थ है वो कितने एंगल पे है, लेट्स से 10 डिग्री के एंगल पे टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के टुवर्ड्स 10 डिग्री के एंगल पे है, तो हम यहाँ पर 10 डिग्री अगर मेंशन कर दें एंगल की डिग्रीज, ये 10 डिग्री के एंगल पे टुवर्ड्स फ्रॉम ईस्ट है, तो ईस्ट से ये 10 डिग्री टिल्टेड हो जाती है, तो आपकी एक्चुअल नॉर्थ की साइड आपको मिल गई। जैसे आपको नॉर्थ की साइड मिलेगी, अब आप अपनी जो ड्रॉइंग ड्रॉ करोगे वो ऐसे ड्रॉ करोगे और उसका एक्चुअल नॉर्थ व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। सो दैट इज योर ट्रू नॉर्थ। और वो एलिवेशन व्यूज, यही तो एलिवेशन व्यूज है जो आपके, अब जो आप अपनी बिल्डिंग दिखाओगे वो आपके एक्चुअल के ट्रू नॉर्थ के एलिवेशन व्यूज दिखाएगा, जो आपकी बिल्डिंग में एक्चुअल में नॉर्थ से जो व्यू आएगा वो दिखाएगा। टिल्टेड है थोड़ा सा, चेक, जब टिल्टेड है तो अगर आप इसके नॉर्थ व्यू में जाओगे तो ये टिल्टेड व्यू ही दिखाएगा। देखो कुछ पोर्शन आपका ये भी दिखा रहा है, तो जो आपकी बिल्डिंग होती है वो कम्प्लीटली टिल्टेड दिखाती है। अगर आपको एक्चुअल न्यू ट्रू नॉर्थ वगैरह वो भी सब प्लेस करने हैं, जो प्रोजेक्ट के नॉर्थ थे अगर आपको उसे भी प्लेस करना है तो इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करो, दिस वॉज योर प्रोजेक्ट नॉर्थ, और ये उसके अकॉर्डिंग आपकी बिल्डिंग चेंज हो जाती है। ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमारा सारा काम ट्रू नॉर्थ के अकॉर्डिंग होगा। एक्सटर्नल एलिवेशन व्यूज अगर आपको प्लेस करने हैं तो आप और एलिवेशन व्यूज प्लेस कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस व्यू टैब एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एलिवेशन टूल, और यहाँ ऑप्शन आता है आपका एलिवेशन का। जैसे ही एलिवेशन का ऑप्शन आएगा यू कैन इजिली प्लेस योर एलिवेशन वेयर एवर यू वॉन्ट। लेट्स से दीज आर योर ट्रू नॉर्थ एंड आई एम गोइंग टू प्लेस एक्चुअल प्रोजेक्ट नॉर्थ। अगर प्रोजेक्ट नॉर्थ प्लेस करोगे, इसको प्लेस किया, सेलेक्ट किया, अब ये इस रेंज पे दिखा रहा है, मुझे इसकी रेंज चेंज करनी है, सो व्हाट आई विल डू, इसको सेलेक्ट किया, मुझे यहाँ ऐसे ये व्यू दिखाना है, ये व्यू नहीं चाहिए, मैंने इसको ये व्यू दिखा दिया, ठीक है। दीक्षा क्लियर हो गया? अब एडिशनल सेटिंग्स में आपको जो जो सेटिंग्स करनी होती है, कॉल आउट की, एलिवेशन टैग्स की, सेक्शन टैग्स की, एरो हेड्स की, टेम्पररी डायमेंशंस की, टेक्स्ट में, उसके फॉर्मेट्स में, उसके चेंजेस में, जो भी सेटिंग्स करनी होती है आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे फिल पैटर्न्स है, फिल पैटर्न में अगर आपको नया फिल पैटर्न बनाना है तो मैंने बताया था हम कैसे बनाएंगे, न्यू में जाके जो हैच पैटर्न है आपका वो बना सकते हो। यहाँ से नहीं बना सकते, यहाँ से तो आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, कस्टम पे जाओगे तो इमेज डालोगे सिर्फ, ये तो इमेज डाल सकते हो अगर आपको इमेज के फॉर्म में, हाँ वो इमेज नॉर्मल इमेज के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप इमेज नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर जब हम सिंपल ये क्रॉस हैचेस आते हैं, प्लस जब इमेजेस हम नहीं डालते ऐसा कुछ नहीं करते तो हम हैच पैटर्न वैसे बनाते हैं जैसे मैंने बताया था ऑटोकैड से इम्पोर्ट करके, ठीक है। तो यही सारी एडिशनल सेटिंग्स है, ये एक बार आप लोग ब्राउज कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, इसमें और कुछ है नहीं एडिशनल सेटिंग्स में। कि हमें क्या, जैसे शीट इश्यूज और रिविजन जो हमने शीट्स में पढ़ा था वही डायलॉग बॉक्स यहाँ डिस्प्ले होके आता है, ठीक है। अब जब आपको यूनिट्स, ये ऑब्जेक्ट स्टाइल है, जब हमें लेयर्स देनी होती है तो आप ये ऑब्जेक्ट स्टाइल में लेयर्स दे सकते हो। स्नैप्स अगर आपको सेट करना होता है तो ये आप स्नैप सेट कर सकते हो। अब ये पॉइंट क्लाउड का स्नैप आपने ऑन कर रखा है तो जब हम पॉइंट क्लाउड की फाइल लेके आते हैं तो ये पॉइंट्स को जब स्नैप करेगा तो इसके लिए स्नैप्स जो पॉइंट क्लाउड है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबको स्नैप करेगा। यहाँ आता है आपका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है प्रोजेक्ट में सेव करने के लिए, जैसे पहले हमने लोकेशन सेट की, लोकेशन सेट करने के बाद हमें प्रोजेक्ट में इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगा, बिल्डिंग नेम क्या होगी, ऑथर नेम क्या होगा, कौन इशू करेगा, कब इशू होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ दोगे। प्लस इन्फॉर्मेशन देने के बाद एनर्जी की सेटिंग्स जो होती है आपको MEP वाला करके देता है, ठीक है, कि स्पेसेस के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे ताकि वो हीटिंग और कूलिंग लोड एनालिसिस कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एडिट बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम आ जाते हैं, अब जब हमने प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी, अगर हमें प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में कोई और इन्फॉर्मेशन डालनी है, जैसे स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कौन है, एमयूपी कंसल्टेंट कौन है, आर्किटेक्चर कंसल्टेंट कौन है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें डालनी होती है वो इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं प्रोजेक्ट पैरामीटर्स से। जैसे हम इस प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे, आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर्स डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इस प्रोजेक्ट पैरामीटर्स डायलॉग बॉक्स में जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करोगे, आपको पैरामीटर्स प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होता है। इस पैरामीटर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में यू हैव टू डिफाइन द नेम, कि आपको क्या नाम चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। तो लेट्स से इफ इट इज एमईपी कंसल्टेंट, ठीक है, एमईपी कंसल्टेंट लिया जिसका डिसिप्लिन कॉमन है। टाइप ऑफ पैरामीटर क्या होगा, टेक्स्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट इट। अब वो किस ग्रुप के अंदर आना चाहिए, वो टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आ रहा है, हमने ये कंसीडर कर लिया। ओके करा, ओके करने से पहले हमें बताना है कि आना कहाँ चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ये डायलॉग बॉक्स लिया, ये पैरामीटर हमने बना लिया। अब इस पैरामीटर को बनाने के साथ साथ हमें एक पैरामीटर और ऐड करना है। पैरामीटर ऐड करने के लिए जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आता है, लेट्स से हमें आर्किटेक्चर कंसल्टेंट का नाम भी देना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट। ये भी आपका टेक्स्ट के अंदर आएगा। यहाँ हम आए, ये इन्फॉर्मेशन आ गया आपके प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन, इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, ये आ गया। अब मुझे आर्किटेक्चर एमईपी कंसल्टेंट दोनों ही प्रोजेक्ट पैरामीटर्स में बना लिए, ओके किया। जैसे ही ओके किया, अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ आप देख सकते हो टेक्स्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई, एमईपी कंसल्टेंट और आर्किटेक्चर कंसल्टेंट, जिसमें हम डायरेक्टली अपने नेम्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव जस्ट नेम्ड आवर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। जस्ट टू ऐड योर इन्फॉर्मेशन विद इन रेविट, ये कहीं पब्लिश नहीं होता। जब आप कहीं रेविट की फाइल दोगे तो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सकता है, जैसे एमईपी वाला है या स्ट्रक्चर वाला है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी देख सकते हैं, अदरवाइज नथिंग इज यूजेबल इन दिस। उसके बाद आते हैं ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। अब प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, हम आ जाते हैं लेवल वन पे। जैसे ही लेवल वन पे आते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये वॉल दी, वॉल के लिए हमने ऑब्जेक्ट स्टाइल डिफाइन कर दिया। ऑब्जेक्ट स्टाइल का डिफाइन किया कि इसका हम कलर चेंज कर देते हैं टू रेड। जैसे हमने इसका कलर चेंज किया, ऑरेंज या रेड जिसमें भी, तो ये आपका ये कलर यहाँ आ गया, ये ट्रांसफर एक प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड हो गया। प्लस हमने यहाँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में हमने दो ये टेक्स्ट भी बनाए, ये आपका एक प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड हो गया। अब ये जो स्टैंडर्ड्स बनाए, हम वॉल के टाइप बनाते हैं, हम डोर के टाइप्स बनाते हैं, हम कितना कुछ बनाते हैं, ठीक है, वो हम एक प्रोजेक्ट में बनाते हैं। अब हमें वही चीज़ दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ करनी है, सो इन दैट केस हम ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। उससे क्या होता है, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हमने पिछले प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे, वो सेम स्टैंडर्ड्स आपकी इस प्रोजेक्ट में भी आ जाएंगे। जैसे हमने ट्रू प्रोजेक्ट, ट्रू नॉर्थ, प्रोजेक्ट नॉर्थ, ये सब सेट किया। इसके लिए मैंने लेट्स से न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया, जिसमें मुझे ये सारी सेटिंग्स वापस इंस्टॉल करनी है। आई वॉन्ट दैट टू कॉपी एवरीथिंग, जो भी मैंने स्टैंडर्ड इसमें लिए वही सारे स्टैंडर्ड्स मुझे उसके लिए भी चाहिए। मेरा ये प्रोजेक्ट खुल गया, इसमें चाहिए, जिसमें चाहिए होते हैं उसके लिए हम जाते हैं आपके मैनेज टैब में। जैसे ही मैनेज में जाओगे, ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स, वो पूछता है किस प्रोजेक्ट से कॉपी करना है। प्रोजेक्ट वन था जिससे हमें कॉपी करना है, हमने प्रोजेक्ट वन लिया। दोनों प्रोजेक्ट्स आपके ओपन होने चाहिए, जिससे कॉपी करना है, जिसमें कॉपी करना है, दोनों। जिसमें कॉपी करना है वो आपका करंट प्रोजेक्ट ओपन होगा, और फिर उसमें आप ट्रांसफर प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स वाला टूल लोगे, सो दैट यू कैन कॉपी इट फ्रॉम द प्रोजेक्ट वन। ओके करो, जैसे ही ओके करोगे आपके वो सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पर कॉपी हो जाएंगे। अब वो आपसे पूछेगा ओवरराइट करना है या सिर्फ न्यू ओनली, तो आई जस्ट पिक न्यू ओनली, ओवरराइट करने की जरूरत है नहीं। सो जो न्यू हमने ट्रांसफर जो चेंजेस किए हैं, हम सिर्फ डायरेक्टली उन्हें ही पिक कर सकते हैं, सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ कॉपी हो गए। अब अगर मैं यहाँ पर वॉल बना के देखती हूँ, तो आई नीड टू चेक कि क्या उसने वो ऑब्जेक्ट स्टाइल लिया। आई नीड टू ओवरराइट, इन द
दिस इज हाउ इट हैज ओवरराइड एवरीथिंग. अब अगर मैं प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. तो जो इन्फॉर्मेशन आप डालोगे वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी. सो दिस इज हाउ वी कैन शो कि हम अपने प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स कैसे चेंज कर सकते हैं. अब दूसरी चीज आती है यहाँ पर पर्ज अनयूज्ड. इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई डोर प्लेस किया, डोर प्लेस करने के बाद हमने यहाँ इस डोर को यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट किया, ठीक है, डोर को शिफ्ट किया, मेरा ये डोर टाइप कौन सा है, सिंगल फ्लश 915x2134. अब क्या होता है जब हम फाइल्स को बार बार लोड करते रहते हैं तो फाइल्स आपकी हैवी होती जाती है. जैसे आपकी फाइल्स हैवी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पर्ज करना होता है. तो यहाँ ऑप्शन आता है पर्ज अनयूज्ड. जो जो चीजें आपने पर्ज अनयूज कर रखी है हम उसे पर्ज कर देंगे. जैसे ही पर्ज करेंगे, अब अगर मैं डोर टूल लेती हूँ तो आई कैन सी सिर्फ वो सिंगल टाइप ही मिलेगा, दूसरे टाइप ही नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सारे आपके अनलोड हो चुके हैं. सो यू हैव टू रीलोड इट, जिससे आपकी फाइल की जो साइज होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाए.